लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी नेता जनता के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और वजह से चर्चा में आ जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि यहाँ योगी सरकार में मंत्री बृजेश सिंह की मौजूदगी में बीजेपी के दो नेता आपस में भिड़ पड़े, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बताते हैं आपको कि इस मामले के बाद क्या क्या हुआ। दरअसल ये नजारा दिखा सोमवार को अमरोहा के बीजेपी कार्यालय में। दोपहर राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने संबोधित किया। यहाँ कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म हुई, मंच पर जिला मीडिया प्रभारी रमेश कलाल और जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते ये बात हाथापाई पर उतर आई। बताया जाता है कि प्रेस वार्ता खत्म होते ही पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी रमेश कलाल और जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई। कुछ ही देर में बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी एवं अन्य पार्टी नेताओं की मौजूदगी में हुए हंगामे के चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो मंत्री जी के गनर को बीच में आना पड़ा और फिर बीच बचाव कराना पड़ा। जब तक मीडिया कर्मी कुछ समझ पाते तब तक बृजेश सिंह ने दोनों के बीच जाकर उन्हें अलग कर दिया। हालांकि इस मौके पर जिलाध्यक्ष तमाशबीन बने रहे, जबकि राज्य मंत्री दोनों को अलग करके निकल गए। तो वहीं इस बारे में जिलाध्यक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने इस मारपीट से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस विषय को यहीं खत्म करो, इसको आगे नहीं बढ़ाओ। तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी रमेश कलाल का कहना है कि परिवार में कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन हो जाती है। मन मुटाव जैसी स्थिति किसी स्तर पर नहीं है, कुछ गलत फहमी थी जिसे आपसी स्तर पर ही निपटा लिया गया है। एक बार फिर देखिए घटना का ये वीडियो। बहरहाल जो भी हो, घटना का वीडियो तो अब तेजी से वायरल हो रहा है। भले ही नेताजी ने इसे आपसी स्तर पर निपटा लिया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।